एपिसोड के शुरुआत में हम इचिगो के काराकुरा टाउन को देखते हैं, जहां इचिगो उसकी फैमिली और उसके सारे फ्रेंड्स एक लाइव शो देखने आए हैं। वहां हेलीकॉप्टर से मिस्टर कनोंजी नाम का आदमी नीचे आता है। फिर हमें आज सुबह यहां आने से पहले का सीन दिखाया जाता है। स्कूल में ओरी हिमे को दिखाया जाता है, जो बो हा 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 बोल के हंस रही थी, और यही इचिगो के बाकी दोस्त भी कर रहे थे। ये हंसने का स्टाइल उस मिस्टर कनोंजी का है। इन सब को देख के इचिगो का कुछ ऐसा रिएक्शन था। केइगो इचिगो को लाइव शो देखने जाने के लिए मना रहा था, लेकिन इचिगो उसे मना कर देता है। तो केइगो बोलता है कि उसने रुकिया को भी इनवाइट किया है। फिर हम लाइव शो में मिस्टर कनोंजी को देखते हैं, जो उसी स्टाइल में हंसने लगता है, जिसे देखकर सब लोग भी वैसे ही हंसने लगते हैं। असल में ये एक हॉरर शो है। फिर ओरी हिमे इचिगो से पूछती है कि उसे तो ऐसे शो पसंद नहीं है, तो वो यहाँ क्या कर रहा है। इचिगो बताता है उसकी फैमिली इस शो के बिग फैंस हैं, इसलिए वो उनके साथ आया है। तात्सुकी ओरी हिमे को बुला लेती हैं। उसके बाद रुके भी वहाँ आ जाती है और वो हा 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 बोल के उसी स्टाइल में हंसने लगती हैं। फिर रुकिया बोलती है कि तुम अपने स्कूल और सोल रिपर के काम से थक गए होंगे, इसलिए इस समय इंजॉय कर लो और रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद पूछती है कि ये शो किस बारे में है। इचिगो उसे कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं और तुम यहाँ देखने चली आई। फिर इचिगो बोलता है कि आज का शो इस अबॉन्डेंट हॉस्पिटल में रखा गया है, क्या यहाँ सच में कोई स्पिरिट होगा, और अगर होगा भी तो सोल रिपर्स उन्हें पास ऑन क्यों नहीं करवाते। तो रुकिया बोलती है कि स्पिरिट जो ऐसे जगहों पर रहते हैं, उन्हें सोल सोसाइटी या सोल रिपर्स डिटेक्ट नहीं कर पाते, उन्हें जीबाकू स्पिरिट कहा जाता है। जीबाकू स्पिरिट सिर्फ तब बाहर आते हैं जब कोई ह्यूमन उनके टेरिटरी में घुसता है। तभी एक आदमी उस हॉस्पिटल में कदम रखता है तो कुछ लाइट से चमकते हैं और हॉस्पिटल से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे चैट कारिन ओरी हिमे और तात्सुकी भी सुनते हैं। रुकिया बोलती है कि ये एक जीबाकू स्पिरिट की ही आवाज़ है, इसका मतलब यहाँ एक जीबाकू स्पिरिट है। फिर हम एक सोल को देखते हैं जो चैन से बंधा हुआ था। फिर रुकिया बताती है कि जब एक जीबाकू स्पिरिट को इस वर्ल्ड से ज़्यादा ही अटैचमेंट हो जाता है तो उसे यहीं छोड़ दिया जाता है और वो लास्ट में हॉलो बन जाता है। इचिगो बोलता है कि उसे ये अब भी एक हॉलो की तरह ही लग रहा है, सिर्फ इसके पास मास्क और इसके चेस्ट में फुल होल नहीं है। तो रुकिया बताती है हॉलो के चेस्ट का होल बताता है कि वो अपना दिल खो चुका है, और मास्क बताता है कि अब वो एक कंप्लीट मॉन्स्टर बन चुका है। फिर रुकिया अपने ड्राइंग्स बनाकर समझाने लगती है कि जब एक इंसान मरता है तो उसके किस्मत का चैन उसके बॉडी से अलग हो जाता है। आम तौर पर वो स्पिरिट सोल रिपर का वेट करता है उसे गाइड करने के लिए, लेकिन अगर वो अपने रिग्रेट्स की वजह से नहीं जा पाते तो उनका चैन उसी जगह पर बन जाता है, और इस सोल रिपर का हर्ट इस हॉस्पिटल से बंध गया है। वो सोल चिल्लाने लगता है कि ये हॉस्पिटल उसका है, वो किसी को अंदर नहीं जाने देगा। उसके बाद शो स्टार्ट हो जाता है, जिसे रुकिया भी देखने लगती है। तो इचिगो चिंता करने लगता है और पूछता है कि क्या इसे ऐसे ही छोड़ना ठीक रहेगा। तो रुकिया बोलती है कि चिंता मत करो, जब तक उस हॉलो के होल में किसी तरह के से डैमेज नहीं लगता तब तक उसे हॉलो बनने में कुछ मंथ लगेंगे। अभी हम इतने सारे लोगों के सामने कौन सो परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए इस शो के खत्म होने के बाद हम उसे सोल सोसाइटी भेज देंगे। लेकिन तभी मिस्टर कनोंजी हॉलो के होल को ही अपने स्टिक से मार देता है। इचिगो उसे रोकने के लिए उसकी ओर जाने लगता है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। रुकिया भी इचिगो के सोल को बाहर निकालने के लिए अपना ग्लव्स पहनती है, लेकिन उसे भी गार्ड्स पकड़ लेते हैं। उस हॉलो का चेन टूटने लगता है और तभी एक स्टिक आके इचिगो के हेड पे लगता है, जिससे उसका सोल बाहर आ जाता है। ये स्टिक किसी और ने नहीं उराहारा ने ही मारा है। फिर इचिगो जल्दी से जाके मिस्टर कनोंजी को सोल से दूर करता है। हमें पता चलता है कि मिस्टर कनोंजी भी हाई स्पिरिचुअल एनर्जी के होने की वजह से सोल को देख सकते हैं। वो सोल अब पूरा हॉलो बन जाता है और इन पे अटैक कर देता है। इचिगो मौका पाके हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है ताकि ऑडियंस में से किसी को चोट ना लगे। पूरा हारा अपने आप को ही बोलता है, जैसा मैंने सोचा था सिचुएशन अब खराब हो रहा है, अब इचिगो क्या करेगा। रुकिया इचिगो के हेल्प के लिए जाने चाहती थी, लेकिन पूरा हारा उसे रोक लेता है और कहता है चिंता मत करो, इस लेवल के हॉलो को इचिगो आराम से हरा सकता है। उसके बाद हॉलो भी इचिगो का पीछा करते हुए हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाता है। इचिगो उस पर अटैक करता है, लेकिन उसका जान पक्तो दीवार में घुस जाता है और बड़ी मुश्किल से निकलता है। फिर हॉलो इचिगो के हाथ में थूक देता है, जिससे इचिगो का हाथ चिपक जाता है। इचिगो वैसे ही हॉलो पे अटैक करता है तो उसका जान पक्तो हॉलो के बॉडी में फंस जाता है।
होलो वैसे ही इचिगो को छत पर ले जाता है और वहाँ कनुंजी भी आ जाता है। उसके बाद इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और होलो इचिगो पर फिर से थूक के उसे ग्रिल से चिपका देता है। और जब होलो इचिगो को मारने ही वाला था तब मिस्टर कनुंजी अपने स्टिक को होलो के मुंह में डाल के इचिगो को बचा लेता है और मुश्किल से एक एनर्जी बॉल बना के इचिगो के ऊपर छोड़ देता है जिससे इचिगो रिलीज हो जाता है। फिर उसके बाद इचिगो होलो को मार देता है। फिर जब कनुंजी उस सोल को देखता है तो शॉक्ड रह जाता है। इचिगो उसे बताता है कि जब उसका सोल चैन टूटा तो उसके चेस्ट में होल ओपन हो गया और वो सोल मॉन्स्टर बन गया। मिस्टर कनुंजी सोचता है कि उसने ये क्या कर दिया और उसके आंखों से आंसू भी बह जाते हैं। ऑडियंस की आवाज़ सुन के इचिगो उससे कहता है, रोना बंद करो हीरो और अपने ऑडियंस को जवाब दो। मिस्टर कनुंजी खड़ा होता है और सबको देखने लगता है। इचिगो उससे बोलता है, क्या हुआ, उन्हें आंसर करो, यही तो एक हीरो की ड्यूटी है। फिर मिस्टर कनुंजी अपने वो हा 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 वाले स्टाइल में बोलता है कि मिशन कंप्लीट हुआ और उसकी सारी ऑडियंस भी खुश हो जाती हैं। फिर लास्ट में मिस्टर कनुंजी इचिगो को बोलता है कि आज से तुम मेरे नंबर 1 स्टूडेंट हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।